हेलो, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सेसिटेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन लार्वेल और आज हम देखेंगे रूट्स डॉट पी एच पी के बारे में। तो वैसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है कि क्या होती है रूट्स डॉट पी एच पी, लेकिन ये एक वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। सो उसके लिए मल्टीपल पार्ट्स लगेंगे, तो ये इसका पहला पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल वर्किंग दिखाया था लार्वेल का, जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि कंट्रोलर कैसे बनते हैं, व्यू कैसे बनते हैं, और वो कंट्रोलर का यूज़ करके हम व्यू को कैसे लोड करवा सकते हैं पर्टिकुलर पाथ पे, यानी रूट पे। तो अब ये रूट डॉट पी एच पी की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्वेल को। तो ये लार्वेल यहाँ पर आ रहा है, तो अगर ये काम हम कोर पी एच पी में करते हैं, तो यहाँ पर कोर पी एच पी में कैसे काम होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट, एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स फाइल लोड हो जाती है। अब सपोज आपको कोई दूसरा पेज इसका लोड करवाना है, तो हम चलते हैं उस एग्जाम्पल में, देखते हैं कोई फाइल है कि नहीं, या हेलो डॉट पी एच पी फाइल है। सो अगर हमें हेलो डॉट पी एच पी को लोड करवाना है, तो हमें ये फाइल का नाम पीछे देना होता था। तो अब यहाँ पर होता क्या था कि पेज वो लोड होता था जो उसकी यूआरएल में दिया गया है। ये कोर पीएचपी है। कोर पीएचपी में क्या होता है कि जो यूआरएल में पाथ दिया गया है, तो वो पर्टिकुलर फाइल यहाँ पर रन होती थी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कोई एक चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल ये फाइल की जगह सिर्फ हेलो रहने दो, तो यहाँ पर नॉट फाउंड आएगा कि यहाँ पर ये फाइल एक्सेसिबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है। तो कोर पीएचपी में क्या है कि आप अपनी तरह से यूआरएल बना के ये हेलो डॉट पीएचपी नहीं लोड करवा सकते। अगर आप ये चाहो कि मैं यहाँ पर हेलो लिखूँ सिर्फ और हेलो डॉट पीएचपी रन हो जाए, तो वो कोर पीएचपी में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। लेकिन लार्वेल में क्या है, लार्वेल हमें फंक्शनैलिटी देखता है कि आप जो चाहे मर्जी यूआरएल बनाओ, उस यूआरएल पे आपको क्या दिखाना है वो आप डिसाइड करो। क्योंकि आप ज़्यादातर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक वो सब देखेंगे, तो उसमें यूआरएल कैसे बनता है, ऐसे फॉर एग्जांपल www.flipkart.com स्लैश यूज़र स्लैश कार्ट स्लैश, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट, मतलब जो गेट वेरिएबल भी होते हैं तो वहाँ स्लैश स्लैश करके आते हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि यूज़र डॉट पी एच पी फिर क्वेश्चन मार्क ऑफ वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू, ऐसा नहीं दिखेगा। आपको डॉट पी एच पी वर्ड ही नहीं दिखेगा कहीं, जैसे स्लैश स्लैश करके वर्ड होते हैं। तो ये क्या है, तो ये कस्टम यू आर एल जनरेट होता है, और ये यू आर एल यूज़र डिफाइंड है, जिसके ऊपर आपको क्या कौन सा कंट्रोलर रन करवाना है, कौन सा व्यू रन करवाना है, वो आप डिसाइड करो। अगर आप दूसरा कोई फ्रेमवर्क देखोगे लार्वेल के पहले का, लेट्स से कोड इग्नाइटर है या किक पीएचपी है, तो उसमें क्या है कि जो यूआरएल बनता है तो वो कंट्रोलर और मेथड से बनता है। यानी कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लिखूँ लोकल होस्ट एग्जांपल, तो फिर यहाँ पर आएगा कंट्रोलर का नाम। फॉर एग्जांपल अब हमारे लार्वेल प्रोजेक्ट में हम देखें, तो हमारे पास एक हेलो कंट्रोलर है। अब ऐसे मान लो कि ये इंडेक्स मेथड हेलो व्यू रिटर्न करता है, तो ये हेलो व्यू अगर दिखाना है तो यूआरएल कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये हेलो व्यू किस फंक्शन से आ रहा है, इंडेक्स है, और इंडेक्स मेथड किस क्लास में है, हेलो कंट्रोलर क्लास में। तो ये यूआरएल कैसा बनता, लोकल होस्ट एग्जांपल हेलो कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स, इस तरह का अगर यूआरएल है तो हमारी वो फाइल है जो वो रन हो जाती। यहाँ पर आएगा लार्वेल, क्योंकि हम लार्वेल की फाइल की बात करें, तो कोड इग्नाइटर में अगर आप उसको रन करना चाहते हैं तो इस तरह का यूआरएल बनता। लेकिन अगर आप लार्वेल में इसे करना चाहते हो, तो लार्वेल में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ये कंट्रोलर बीच में डालो या यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल से हेलो, अब वैसे नाम का कोई फंक्शन भी नहीं है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, ना तो कोई क्लास है, फिर भी अगर मुझे ये यूआरएल पे वो वेलकम वाला व्यू रिटर्न करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। कैसे, रूट्स डॉट पीएचपी से। देखिए अब से हेलो नाम का कुछ है नहीं, अगर मैं अभी एंटर करूँगा तो आएगा नॉट फाउंड एरर। देखिए
लार्वल में इसकी एरर है, लेकिन मुझे ये से हेलो पे जो हमारा वेलकम वाला पेज है ये उसको शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा मेरी रूट्स डॉट पी एच पी में। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा रूट गेट। अब कौन सी यू आर एल पर हमें रन करवाना है, तो से हेलो पे। अब से हेलो पे क्या करवाना है, तो ये क्लोज़र फंक्शन वाला मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। यहाँ पर हम सिंपली कॉल करेंगे हेलो कंट्रोलर, उसकी कौन सी मेथड, इंडेक्स मेथड। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए तो मैंने यहाँ पर जो कंट्रोलर है उसमें व्यू अलग रिटर्न करवाया, इसलिए ये हेलो की जगह आप अगर आप वेलकम कर दो तो वेलकम वाला व्यू रिटर्न होगा। देखिए लार्वल 5, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो यू आर एल है वो मैंने कस्टम डिफाइन किया से हेलो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऊपर यू आर एल बनता है ब्राउज़र में वो काफ़ी साफ सिंपल और इजी बनता है और सिक्योर भी बनता है। तो रूट्स डॉट पी एच पी का मेन यूज़ ये है कि आप कस्टम यू आर एल डिफाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कंट्रोलर रन करवाना है, जो भी व्यू रन करवाना है वो आप करवा सकते हो। तो अब और डिटेल में जाते हैं रूट्स डॉट पी एच पी के। अगर ये काम, ये से हेलो वाला मुझे दूसरे तरीके से करना होता तो मैं क्या करता, सेम यही चीज़ रूट गेट। अब देखो जो ऊपर वाली चीज़ हमने की उसमें क्या किया, से हेलो अगर यू आर एल में है तो हेलो कंट्रोलर रन होना चाहिए और उसकी इंडेक्स मेथड रन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स मेथड वो व्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमें ये कंट्रोलर ही नहीं बनाना, क्योंकि हम तो सिर्फ व्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो सिर्फ एक लाइन का कोड लिखने के लिए हम कंट्रोलर बना के उसमें मेथड बना के रिटर्न करें तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर ये क्लास जो है हेलो कंट्रोलर ये बहुत सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है तो ठीक है, चलो हमने एक फंक्शन बना देंगे, कुछ जाता नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ उसको व्यू लोड करवाने के लिए कंट्रोलर बनाना पड़े तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, हमें कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरी ये लाइन को हटा देता हूँ। देखिए उसका अल्टरनेटिव क्या है कि रूट गेट क्या होना चाहिए, से हेलो लिखा है तो क्या हो, एक क्लोजर फंक्शन पास, मतलब कि ये रन होगा एक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न व्यू वेलकम। अब अगर आप इसको रन करोगे तो भी ये रन होगा। देखिए तो इस तरह से आपने क्या किया कि आपको अब कंट्रोलर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो लाइन का कोड लिखो, आप जो मर्जी चाहे व्यू आप लोड करवा सकते हो। अब अगर उसको ज़्यादा डिटेल में हम समझें, देखिए मैं वापस जो पुराना था वो ला देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रूट है वो एक्चुअली एक क्लास है लार्वेल के अंदर, और ये जो गेट है उसका एक मेथड है, स्टैटिक मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट क्लास की गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, और ये गेट मेथड दो आर्ग्यूमेंट लेता है, फर्स्ट जो आपका यूआरएल में जो नाम होगा वो, और दूसरा आपको क्या करवाना है। तो उसके दो वर्जनस हैं, फर्स्ट वर्जन में आप कंट्रोलर और मेथड का नाम दे दो, या अगर आपको कंट्रोलर नहीं बनाना है सिर्फ एक ही काम करवाना है कि व्यू रिटर्न करवाना है वो सब, तो सिंपली क्लोजर फंक्शन पास कर दो और उसके अंदर से व्यू रिटर्न करवा दो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये जो गेट है, तो ये फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो गेट फंक्शन होगा या फिर पोस्ट होगा, वैसे होते हैं दूसरे, लेकिन अभी तक के लिए आपको समझने के लिए गेट और पोस्ट सही है। ये गेट और पोस्ट किस वजह से है, तो अगर आप कोर पीएचपी में अपने फॉर्म हैंडलिंग के सिंपल लॉगिन भी बनाया है तो आपको पता है कि जब हम फॉर्म का डेटा सेंड करते हैं तो हम या तो गेट मेथड से सेंड करते हैं या पोस्ट मेथड से सेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारा पेज है रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, ठीक है, कोर पी एच पी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, हमारा पेज है रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, उसके ऊपर सिंपली फॉर्म है और वो फॉर्म का एक्शन हमने दिया है सबमिट डेटा डॉट पी एच पी पे। तो फॉर्म सबमिट कहाँ पर होगा,
सबमिट डॉट डॉट पी एच पी पे। अब ये फॉर्म की मेथड पोस्ट है, ऐसा आप अभी अज्यूम कर लीजिए। तो जो जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी से फॉर्म भर के सबमिट करेगा, तो जो सबमिट डेटा डॉट पी एच पी पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से टाइप की आएगी, पोस्ट टाइप की, क्योंकि उस पेज पे आप डेटा रिसीव कैसे करोगे, ऐसे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, और उसमें फॉर्म का जो वेरिएबल का नाम है वो, तो इस तरह से आप रिसीव करोगे। तो ये मेथड मतलब कि जो रिक्वेस्ट आई दूसरे पेज पे, तो वो किस टाइप से है, पोस्ट से। तो यहाँ पर भी सेम वही फंडा है कि अगर से हेलो पे हम पोस्ट मेथड से रिडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आएगा पोस्ट, और अगर गेट मेथड से आ रहे हैं तो यहाँ पर आएगा गेट। अब यहाँ पर अभी मैं सिंपली मैन्युअली URL से एंटर कर रहा था, तो हम कुछ भी काम URL से रिलेटेड करते हैं तो वो क्या होता है, गेट मेथड। जैसे आप, मैंने जब गेट पोस्ट समझा तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का एग्जांपल दिया था कि अगर गेट मेथड से आप यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हो तो वो URL में दिख जाता था। मतलब URL से जो भी वर्क होता था वो होता था गेट मेथड। तो अभी मैं URL से मैन्युअली डाल रहा हूँ तो ये क्या हुआ, गेट मेथड। लेकिन अगर फॉर्म सबमिट होकर ये पेज खुल रहा है से हेलो, फॉर एग्जांपल इंडेक्स पे हूँ और सबमिट होकर ये से हेलो हो रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कौन सी आई, पोस्ट मेथड से आई। तो अगर पोस्ट मेथड है तो आप कोई कुछ और करवा सकते हो। आप यही चीज़ सेम पेज के लिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। देखो, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट से आई है तो वेलकम की जगह रन होना चाहिए हेलो कंट्रोलर। तो ये जो पेज है से हेलो वाला, तो से हेलो पे दो फंक्शनलिटी है। अगर गेट मेथड से रिक्वेस्ट आती है तो वेलकम पे जाएगा, और से पोस्ट मेथड से आता है तो हेलो पे जाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई भी हम एडमिन फंक्शनलिटी बना रहे हैं सपोज, तो एडमिन बहुत टाइप के होते हैं, सबको सभी राइट्स नहीं होते हैं। कुछ एडमिन को हम कुछ दिखाना चाहते हैं, दूसरे को कोई अलग फंक्शनलिटी दिखाना चाहते हैं, तो आप ये रूट से कर सकते हो कि आप डेटाबेस से डिटेक्ट कर लो कि ये एडमिन की क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। तो फिर आप यहाँ से ही सिंपली कर सकते हो कि अगर गेट से आए तो उसको ये पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, पोस्ट से आए तो इसको ये पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। अगर फिर ये वर्ड से भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये यहाँ पर फंक्शनलिटी होती है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, ये रूट जो हम लिखते हैं उसमें दो कंडीशन है। सबसे पहला कि यहाँ पर केस सेंसिटिव लिखना होगा, मतलब अगर आप कैपिटल और स्मॉल की मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर रन नहीं होगा। देखिए, ये से हेलो की जगह मैं अभी इतना हटा देता हूँ गेट पोस्ट से, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ये से हेलो की जगह मैं यहाँ पर कैपिटल एस कर देता हूँ और अगर से हेलो रन करूँ तो देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड एरर आएगा। तो यहाँ पर केस सेंसिटिविटी को हमें ध्यान में रखना होता है, जो आप यहाँ लिख रहे हो वही आपको URL में लिखना होगा। दूसरा बात यह है कि अगर गेट मेथड से रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ गेट ही होना चाहिए, और पोस्ट मेथड से आ रही है तो पोस्ट ही होना चाहिए। अगर मेथड पोस्ट यूज़ की है फॉर्म में और यहाँ पर आप गेट यूज़ कर रहे हो तो रन नहीं होगा। सेम इसका वाइस वर्सा, अगर गेट मेथड से हेलो रन होना था और पोस्ट से हो रहा है तो भी देखो यहाँ पर एरर आएगी। अगर गेट कर दूँ तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये दो चीज़ें आपको रूट्स में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मेथड गेट है तो गेट फंक्शन ही कॉल करो, मेथड पोस्ट से आ रहा है तो पोस्ट के वही यूज़ करो। तो ये, और दूसरी बात केस सेंसिटिविटी। तो ये है बेसिक रूट्स डॉट पीएचपी। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। कस्टम पाथ हम अगर देकर कोई हमारी कोई भी कंट्रोलर और व्यू को रन करवाना चाहते हैं, मतलब URL हमारा हो, फंक्शनैलिटी हम जो मर्जी चाहे रन करवाए उसके ऊपर, भले ही वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अभी देखो यहाँ पर सहेलो नाम की कोई फाइल ही नहीं है, लेकिन सहेलो पे हम वेलकम व्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, तो वो हमारी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर। तो ये है रूट्स डॉट पी एच पी। अब इसकी बहुत सारे और भी यूजेज़ हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मल्टीपल पार्ट्स में मैं इसको कवर करने वाला हूँ रूट्स डॉट पी एच पी को। सो अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑल्सो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।